हाँ मैं। उस दिन तो बड़ी डींगे हाँक रही थी कि काका जी लौटते ही आकर मुझसे मिलेंगे, और जब लौटे तो मिलना तो दूर, रातों रात बेटी के साथ फरार हो गए। मुझे तुम लोगों की नियत ठीक नहीं लग रही। कहाँ है मेरे पैसे? हम आपके पैसे लौटा देंगे, और सुलक्षण के बाबा कहीं फरार नहीं हुए हैं, वो जल्दी लौटने वाले हैं। हाँ जी हाँ, बहुत दुनिया देखी है मैंने, ऐसे बहाने खूब सुने हैं, इसीलिए सीधे सीधे मेरे पैसे वापस करो। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए, वरना ये घर खाली करो। ऐसे कैसे? आपने तो हमें 10 दिन की मोहलत दी थी, अभी कुछ दिन बाकी है। ये अन्याय है, आप अपने वादे से मुकर कर रहे हैं। मैं आपकी फरियाद लेके जाऊंगी मुखिया जी के पास। तुम्हें क्या लगता है मुखिया जी तुम्हारा पक्ष लेंगे? एक अपशकुनी की माँ का भ्रम में जी रही हो तुम, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। क्या इरादा है तुम्हारा, पैसे दे रही हो या फिर सामान फेंको अभी कभी बाहर? क्या बात है काका जी, आपके रहने की समस्या तो हल हो गई, आप फिर भी दुखी लग रहे हैं, और कोई समस्या है क्या? समस्या ही समस्या है मेरे जीवन में, बताएंगे नहीं तो हल कैसे ढूंढा जाएगा? हमारे गांव की पंचायत ने जो समय सीमा दी थी वो दिन ब दिन घटती जा रही है, मुझे डर है कहीं हमारे गांव के साथ साथ आई सप्तशृंगी का मंदिर भी ना छूट जाए। और दूसरा, सेठ रमन लाल के दिए हुए कर्ज को लौटाने की मोहलत वो सीमा भी नजदीक आ रही है, समझ भी नहीं आता इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा। साईं बाबा सब ठीक तो? बाबा ऐसे अचानक उठकर कहां चले गए होंगे? सरकार, आपके कहे अनुसार मैंने उस काका जी को धर्मशाला से निकलवा तो दिया, लेकिन उस माधव ने उसको और उसकी उस मनहूस बेटी को अपने घर में शरण दे दी है। समय बलवान संता, समय बलवान। उस फकीर ने कहा था कि अगर गांव में कोई अपशगुन होता है तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा। अब इन शिरडी वासियों का भगवान हारेगा,
और मैं अमलदार को बुलाकर दिखाऊंगा कि क्या होती है कुलकर्णी सरकार की शक्ति। हरिओम। प्रणाम साईं। आओ मधुर। सब कुशल मंगल? जी पापा। बाबा, आपके आशीर्वाद से कुछ दिनों पहले ही मेरी बेटी की शादी बड़े अच्छे से संपन्न हुई। शादी के बाद बेटी और दामाद पहली बार शिरडी आए हैं। आपका आशीर्वाद दिलवाने यहाँ लाया हूं उन्हें। राम जी भला करें। नरोबा, मैं पानी भरने जा रही हूं, तो कहीं जाना नहीं, घर में ही रहना। तबीयत ठीक लग रही है अभी, जंगल जाकर शहद ले आता हूं। अभी निकल गया तो ठीक है, वरना आई तो जाने नहीं देगी। प्रकृति ने हमें लगभग हर बीमारी से लड़ने की कोई ना कोई औषधि दी है। पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों के रूप में बस हमें इन्हें जानने की, पहचानने की और समझने की जरूरत है। जैसे यह गेंदे की पत्तियां, इसकी पत्तियों का रस निचोड़कर घाव पर लगाने से जख्म जल्दी भर जाता है और त्वचा से जुड़े संक्रमण में भी इसकी पत्तियां काफी फायदेमंद सिद्ध होती हैं। और आज मैं तुम लोगों को ऐसे कई सारे पौधे दिखाऊंगी और उनके औषधीय गुणों से परिचित करवाऊंगी। सुनो, क्या हो रहा है वहां पे? वो क्या है ना, हम बच्चे जंगल में नहीं जा सकते ना, तो सुलक्षणा दीदी हमें यहाँ लाती है और सिखाती है कि कैसे छोटी मोटी तकलीफों का इलाज पेड़ पौधों से हो सकता है। में एक पत्ता बहुत कड़वा होता है, लेकिन इसकी पत्तियों के सेवन करने से पेट से जुड़ी समस्याओं में लाभ मिलता है। और अगर पीलिया हो जाए तो इसका सेवन किया जाता है। और यह है अड़ूसा पत्ता, खांसी के लिए।
क्या कर रहे हैं? बाजी पानी लेकर आओ। शहद लाने जंगल जा रहा था। बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी कल। इनकी तबीयत देख रहे हो ना, इन्हें घर छोड़ने जाना पड़ेगा। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं चला जाऊंगा। आप तो कुछ ना ही बोले तो बेहतर है। क्या जरूरत है इस हालत में शहद लाने की? चलिए मैं आपको घर छोड़ के आती हूँ। आओ बच्चों मेरी मदद करो। आप बैठिए, आराम कीजिए। शहद कहाँ रखा आपने? वाह, टोकने। इतना शहद काफी है, इसमें तो दो दिन काम चल जाएगा। आप समझ नहीं रही है, वो कम पड़ेगा। मैं रोज चरणामृत बनाती हूँ, मुझे पता है कि कितना शहद लगेगा। इसलिए कह रही हूँ कि जंगल जाने और वहां भटककर शहद ढूंढने की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है आपको। जंगल? नारायण तू जंगल गया था? हाँ काजू, और बीच रास्ते में गिर पड़े थे। वो तो भगवान का शुक्र है कि गांव के बच्चों के साथ मैं वहीं थी और उन सबकी मदद से इन्हें वापस ले आई। धन्यवाद बेटी, तो किसी देवी के रूप में हमारे जीवन में आकर हमारी मदद कर रही है। पहले इसे दवाई दी और आज तो इसे सुरक्षित घर वापस भी ले आई। क्या हुआ काका जी, किस सोच में खोए हैं? साईं बाबा, जब भी मैं किसी नवविवाहित जोड़े को देखता हूँ तो अपनी सुलक्षणा की शादी की चिंता होने लगती है। इस डर से सहम जाता हूं कि कहीं उसके जीवन का अतीत उसके भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए मुरझा न दे। आओ मेरे साथ। इस पौधे को देखिए काका जी, इसे देख के क्या लगता है आपको? ये तो सूखा हुआ पौधा है बाबा, ये कभी नहीं पनपेगा। दीवार में उगा हुआ पौधा कैसे फल फूल सकता है? इसका सूखना तो तय है। बिल्कुल सुलक्षणा की तरह है ये। तो क्या मेरी सुलक्षणा की जिंदगी कभी फलफूल नहीं पाएगी साईं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अभी आपने कहा कि मेरी सुलक्षणा का जीवन इस सूखे हुए पौधे की तरह है और ये पौधा तो किसी भी हालत में पनपेगा नहीं। दीवार में इसकी जड़ें कैसे फैलेंगी? और जड़ें नहीं फैलेंगी तो कोई पौधा कैसे फल फूल सकता है? काका जी, इस पौधे का भविष्य सिर्फ इसलिए खराब लग रहा है
क्योंकि ये दीवार में उगा है, दीवार से इसे पोषक तत्व नहीं मिल सकते, इसकी जड़ें फैल नहीं सकती। हाँ सर। पौधे को उसके अनुकूल वातावरण में लगा दिया है। अब बताओ, क्या अब भी यहां ये नहीं पनपेगा? अब तो ये पौधा पनपेगा भी और फलेगा फूलेगा भी। काका जी, कुछ इसी तरह शिरडी भी सुलक्षणा के लिए अनुकूल है। आज वो वहां है जहां उसे होना चाहिए, लेकिन जैसे इस पौधे को ठीक होने में वक्त लगेगा, वैसे ही सुलक्षणा को भी वक्त लगेगा। कुछ लोग यहां इस पौधे को देखेंगे और सोचेंगे कि इसमें पनपने की शक्ति नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग सुलक्षणा को उसके अतीत के कारण यहां परेशान कर रहे हैं। मगर सच्चाई केवल हम दोनों जानते हैं काका जी। कि ये पौधा बड़ा होकर पेड़ बनेगा और कुछ ऐसा ही सुलक्षणा के साथ भी होगा। लेकिन उसकी शादी? चिंता मत कीजिए काका जी, भगवान ने सुलक्षणा के लिए जिसे बनाया होगा उसे वो सुलक्षणा तक पहुंचा ही देगा। इसे छानने के लिए कपड़े का इस्तेमाल होता है। आप आराम से बैठिए, मुझे पता है मैं कर लूंगी। लेकिन आप अकेली? अभी थोड़ी देर पहले आपके शरीर में जान नहीं थी, गिर पड़े थे आप। अगर आप ज्यादा बीमार हो गई तो काकी अकेले क्या क्या करेंगी? आप आराम से बैठिए, मैं कर लूंगी।
ये आपने सही किया, किसी की जान बचा ली। चलती हूँ। आपकी औषधि से मैं ठीक हो रहा हूँ और आपने 2 दिन साई बाबा तक शहद पहुंचाकर मेरी सेवा को खंडित होने से बचा लिया। मुझे लगता है कल से मैं खुद शहद लेकर जा पाऊंगा। चलती हूँ। काका जी, एकाग्र चित्त से की गई पूजा ईश्वर तक पहुंचती है और भटकता हुआ मन मनुष्य को दूर ले जाता है ईश्वर से। क्षमा चाहूंगा साई, लेकिन मैं कल से बहुत चिंतित हूं सुलक्षणा की आई को लेकर। पूरा वणी गांव इस समय हमारे विरुद्ध खड़ा है और इसी का फायदा उठाकर सेठ रमनलाल हमारा घर हड़पना चाहता है और मैं शुभदा को इन सब से जूझने के लिए वहां अकेला छोड़कर आ गया। पता नहीं उसे वहां क्या क्या सहना पड़ रहा होगा। जिसे दिल से याद किया जाए वो दूर कैसे रह सकता है। आहो।